गाइस ये देखिए मासी मुसीबत लग रही है, बच्चे चोरी करने वाली लग रही है, लग रही है वो वैसी लग रही है। आप क्यों लेटी नहीं आज? अरे मैं थक गई, मुझे इस बार सो रही है। हमें तो कभी ना मिली बिस्तर पे चाहे। सही बात है, थोड़ा सही उस पे जाके जनरल बात है कि प्यारा लग रहा है। नहीं अच्छा लग रहा बहन। अरे गाइस मुझे भी असर की नमाज पढ़नी है। मैं रिटर्न के साथ इतनी क्या पढ़ा लिखा, क्या कर लिया, क्या उखाड़। चलो ना यार, एक तो मलाइका तो मेरा सर ही खा रही है। गाइस मैं पहले कैमरा, मम्मा आधे में नाश्ते के ले आ रही हूँ। गाइस मम्मा सो गाइस गला मेरा खराब हो गया है मलाइका भाई। चलो गाइस अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं लेट हो रही हूं। मैं कहा चलो यार, अभी मुझे कह कहकर आई, चलो चलो लेट हो रहे हैं, अब खुद लेट हो गई। कैमरा उठाते हैं। पैसे तुम्हारे गए तेल लेने। चलो सो गाइस होप्स आप सब ठीक होंगे, ठाक होंगे, फिट एंड फाइन होंगे। मैं भी शुक्र अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल फिट एंड फाइन हूँ। जल्दी जल्दी में तैयारी हो रही है जाने की, जैसे कि आपको पता है। क्या है अब तुम अलमारी में क्यों घुस गई हो? चलो निकलो जल्दी, मुझे जल्दी जल्दी लेट तैयार करवा के। खुद हमेशा मिलेगा, अभी तो नाश्ता भी करना है, लाइट्स ऑफ करो वरना मेरी मामा पुलिस लेके पीछे पड़ जाएगी। चलो नाश्ता दें। रोक लो, रोक लो। कौन ये अमरूद नाश्ते में घेरा बॉइल्ड एग? अमरूद तुम्हारे लंच में क्या? रोको मेरे से नहीं आता रोसा को, रोको तुम जैसे तुम खाओ। मम्मा मेरे साथ ही नहीं खाया जाएगा तो। मम्मा मम्मा चाय गिरा दी, मम्मा चाय गिरा दी इसने। मेरी सांस फूल गए। तुमने पैसे ले लिए पैटीज के लिए? 100 रुपया गाइस मुझे 10 रुपए मिलते थे, 100 रुपए मिलता है यार। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ, मतलब मैं बाहर इसका मैं वेट करती रहूंगी क्या बैठ के? मम्मा हद हो गई यार, बोल रही कछुओं की तरह। मेरी मम्मा बोल रही तुम कछुओं की तरह गाड़ी चलाती। गाइस मैं इतनी फास्ट ड्राइविंग नहीं करती ना, सारी दुनिया को ये पता होना चाहिए कि हमें ड्राइविंग स्लो करनी चाहिए। आ जाओ मलाइका, मैं तो जा रही हूँ। स्कार्फ बहुत बुरे तरीके से सेट है एंड आई डोंट नो। आप मुझे जो भी चैनल पर नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कॉमेंट्स कर देना चाहिए। मलाइका गाइस आज तो मैं इसको छोड़ के जाती हूँ घर। ऐसे कुछ ज्यादा नहीं हो गया? ये रखी मैंने अपनी बोतल और गाइस अब आपके सामने मैं अल्लाह कैसे मासी बन के आ रही है दिखाती हूँ मलाइका। गाइस ये देखिए मासी बनी मतलब कॉलेज, हाय अल्लाह कॉलेज जाने वाली तो ये लग ही नहीं रही। मासी मुसीबत लग रही है, बच्चे चोरी करने वाली लग रही है। तुम चलो बैठो, मैं कहा तुम अपना होली और ठीक करो, तुम बच्चे चोरी करने वाली लग रही हो। वो वैसी लग रही है, चलो बच्चे चोरी करने वाली यार इतनी, चलो आई लग रही है। अरे चल रही हूँ अब सेट तो मलाइका, मलाइका मेरा ये बैग उठाना। शुक्र बैग रखो मेरा, अब चाहे तुम इधर ले आई। गाइस ये देखे मुझे चाय गरम गरम मजे की लग रही थी, मैंने कहा मुझे डाल के दे दे ये। थक गए ये सही है भाई, मैं अब इधर गाड़ी चलाऊंगी, ये गरम गरम चाय भी। अरे गाइस निकलते मलाइका, ये तुम कैसे चाय पी रही हो यार जाहिलों की तरह। चलो यार आगे चलो, चलते हैं यार। अभी पीछे से आगे करो। किसको? ओ खुद ही हो गई। हो गई। चलो a few moments later सो गाइस ये रखा हुआ, इसने कंघा भी गाड़ी में लगाया, सनस्क्रीन भी गाड़ी में लगाया और वो क्रीम भी गाड़ी में लगाई। much later सो गाइस इज माय लंच टाइम और आप देख सकते हैं कि मेरी बिरयानी कितनी अच्छी लग रही है। मुझे लग रहा है कि गिरा देंगे आज। अल्लाह ना करे कैसी अपमान जनक बातें कर रहा है लड़का ये। ओहो बहुत मजे के मुंह के नाम आ रहे खाना। गाइस किस किस के मुंह में पानी आ रहा है, कैमरा बंद करके खाना खा लेते हैं। Several bad puns later Oh my god guys घर पहुंचते पहुंचते मेरे घर हो गया है बिल्कुल बारिश वाला मौसम। तो ये मैं पहुंच चुकी हूँ घर, तो देर किस बात की है कि हम उठा लेते हैं अब बैग और चलते हैं घर पर। अस्सलामुअलैकुम सो गाइस सारा धरती का बोझ मैं अपने साथ ही लेकर आई हूँ। अस्सलामुअलैकुम क्या यार, मम्मा कुछ कह रही है लेकिन मुझे आवाज़ नहीं आ रही। पहले सामान रखो, लाइट्स ऑन करेंगे, घर अंधेरे में डूबा हुआ है गाइस। केक हाँ वैसे भी अच्छा हुआ।
सो गाइस, आज मैं खाने में बिरयानी खा के आई हूँ। इतना अंधेरा क्यों है भाई? खाने में क्या बनाया? आप क्यों लेटी हुई है मामा? गाइस, ये मेरी मामा। आप क्यों लेटी हुई आज? अरे मैं थक गई, मेरी जिस्म दर्द कर रहा है। और दोबारा कपड़े धोए आज आपने? पेट्रोल लगाने गए। अच्छा, पकड़ो। और मामा खाने में क्या बनाया? मिक्स सब्जी। मामा जी, मालूम मैं सोच रही यार मिक्स सब्जी रोज। हाँ, आप क्या सोच रही हैं? ऐसा तो नहीं हो सकता हम कहीं जाए और कुछ खरीदे ना। चलो ये लो चाबी गाड़ी की। बड़ा है ना, ऊपर नीचे घूमते रहेंगे सारे। गाइस, आज मैं बिल्कुल आहिस्ता से अंदर जाऊंगी कमरे में, क्योंकि कमरे में होंगी मेरी बहनें, और मेरी बहनें मुझसे लड़ती हैं कि तुम आते ही व्लॉग स्टार्ट कर देती हो, हमारी नींद खराब कर देती हो। अंदर से मलाइका की आवाज आ रही है कि आपकी आवाज आ रही है? सो रही है ये, निस्ता सो रही है। क्या बदतमीजी, निस्ता सो रही है, जाग रही इतना, ये उसने जाग नहीं है और सो रही हूं यार। इसने कहा जागी हुई है मलाइका? अभी तो आप जागी नहीं थी मलाइका, कब से सो रही हूं? गजब बेइज्जती है, मुझे नहीं पता भी जागी हुई थी बेइज्जती। तो गाइस, ड्रेस मैंने अपना निकाल लिया अंदर कमरे से, और मेरी बहनें आतंकवादी बनी हुई बैठी हुई, इसलिए मैंने ड्रेस जो है अपना कमरे से निकाला है। सो अभी फ्रेश हो जाती हूँ मैं। सो गाइस, मैं बिल्कुल फ्रेश हो चुकी हूँ, मैंने मूंछू धो लिया है, और मैंने ना खाना तो मैंने खाना नहीं है, केक और चाय खाऊंगी। एंड पता नहीं मेरी बहनों ने क्या किया। चाय बनाई है आपने मैडम? बन रही है चाय, इसको तो फ्लैश तो ऑफ कर। क्यों? मेरा हुसन खराब हो रहा है फ्लैश की वजह से, इस शक्ल का, इस बूथे का हुसन। जल्दी जाकर बनाओ चाय। अरे पक रही है, बैठ जाओ ऊपर के, जल्दी बन जाए। ऐसे धीरे धीरे दोबारा बोलना। हौले हौले यार मलाइका, प्लीज मुझे बहुत ज्यादा भूख भी लग रही है। इसका ट्राउजर कितना प्यारा लग रहा है, बटरफ्लाई वाला ट्राउजर लग रहा है, पर तुम जो है वो रीच ही लग रही हो उसमें। मैं बता रही हूँ, किसी दिन जल जल के काली हो जाओगी, हम ढूंढते रह जाएंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हाँ मैं चाहती हूँ। चलो खैर गाइस, मैं आपको ना दिखा देती हूँ, जो भूख लग रही है। ओ माई गॉड, ये है केक। वाओ, चॉकलेट केक है। तो गाइस, चॉकलेट केक में ना मैं यूं करके उंगली मार कर, अच्छा। मलाइका, अंदर से मामा आपको आवाज दे रही है। इस औरत को मामा कह रही है इसकी चाय कब से सूखने वाली है, पर ये यहाँ पे लगी टक 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 फोन पे। बस जाओ जल्दी मलाइका, जल्दी प्लीज यार, मुझे बहुत ज्यादा क्रेविंग। प्लेट लेकर आना, छुरी लेकर आना केक कट करने के लिए। अच्छा, सो गाइस, ये हमारा केक जो है वो कटने लगा है। मामा एक पीस मुझे काट के दे रही, क्योंकि मुझे भूख भी लग रही है। तो यार मुझे दे दे पहले काट कर, मुझे भूख लग रही है। ये क्या, ये तीन पापड़ बाबा? गाइस, ये मेरे बाबा की चाय का कप है। मम्मी, आप किसकी बर्थडे कर रही हैं यार? हैप्पी बर्थडे। ये बाबा को तीन पापड़ फ्राई करने का किसने कष्ट दिया? बहुत सारे किए हैं। ये भी क्या जरूरत है? हैप्पी बर्थडे। मम्मा चाय गिर रही है, जिस तरह आप ढस ढस करके हिला रही हैं, ऐसा लग रहा है आप गोश्त काट रही हैं, केक नहीं काट रही मम्मा। बस कर दे यार, क्या हो गया गाइस? ओ माय गॉड, ये क्या था? दो चाय नीचे रख दो नीचे। हाँ शाबाश, मैं ये खाऊंगी। मैं कहा मिलवा ने भी अंदर मंगाया केक, ये बिल्कुल भी मजे का नहीं होता। नहीं यार, ये फ्रेश है, ये अच्छा है। मलाइका, मैं मरने वाली। एक बात याद रखना, मुझे चाय ला दे। इतना तंग किया चाय बनाने पर, ये मेरे मामा कह रही है तंग हो गई। चाय कम पकाओ तो कम पकाई, चाय ज्यादा पकाओ तो ज्यादा पकाई, दूध कम डालो तो दूध कम डाले, ज्यादा डालो तो ज्यादा डाले। ये भी मेरी गलती है। पाकिस्तानियों की तरह इनमें डबो डबो कर तो खाऊं, उनके साथ होने चाहिए ना। तीन मतलब तुम इसको बिस्तर पे चाय ले जाके दोगी? हमें तो कभी ना मिली बिस्तर पे चाय। सही बात है, तुम तेरी उस पे जाके रख दो चाय मेरी। तुम्हारी क्या तुमने चाय आज इसने इतनी पकाई, इसकी सूख गई यार। गाइस, ये ऐसा चॉकलेट खाते हैं मजे की लगती है।
अच्छा ये मैं क्या दिखाती हूँ, आइए देखो यार ये कितना अच्छा मतलब बटरफ्लाई टाइप लग रहा है ना ट्राउजर है ना ना। हाँ बना लो गंदी शक्ल, लेकिन यार प्यारा लग रहा है भाई। है बता फालतू में प्यारा लग रहा है ना ट्राउजर। मामा भी कहती थी अच्छा लग रहा है। मम्मा तो मैं खुशफहमी दिलवाती थी गाइस, उसको खुशफहमी रहो जलती रहो गया गाइस, उसको खुशफहमी हो रही है। नंबर वन खुशफहमी ये कि मैं इससे जलती हूँ, नंबर टू ये कि इसका ट्राउजर इस पे बहुत अच्छा लग रहा है, जबकि इन दोनों में से कोई भी चीज ठीक नहीं है। यही नहीं अभी और सुनिए क्या, लेकिन जनरल बात है कि प्यारा लग रहा है। नहीं अच्छा लग रहा बहन, चाहे तुम इधर घूमो चाहे तुम उधर घूमो फिर भी ये बुरा ही लगेगा। नहीं अच्छा लग रहा, निकल यार निकल, को खुद पसंद होना चाहिए। बस कल कल निकल, नमाज पढ़ रही है वो। मैंने मैं बेटा से पूछती अच्छा नहीं जल्दी तो है मुझसे नमाज पढ़ रही है वो, इसलिए अभी तुम्हें कुछ नहीं बोल रही। हाय गाइस मुझे भी असर की नमाज पढ़नी है, और आप बिलीव करेंगे मेरे उठने की, दिल ही नहीं कर रहा, तो बस थोड़ा शैतान मुझ पे हावी हुआ है, अब उठ के नमाज पढ़ती हूँ। सो गाइस फाइनली आई एम डन विद माय इशा वो सॉरी असर प्रेयर। और यार मैं एक बात आप लोगों को बोलना जरूर चाहूंगी, जिंदगी में कुछ भी करो कुछ भी करो, मतलब कितना भी बिजी हो जाओ सबसे पहली प्रायोरिटी ना नमाज को दो, ये मैं सही बता रही हूँ। जितना बिजी हो जाओ सबसे पहली प्रायोरिटी नमाज को दो, जितना आपने पैसा कमाना हो फिर भी सबसे पहली प्रायोरिटी नमाज को दो, और जितनी आपको दुख हो तकलीफ हो सबसे पहली प्रायोरिटी फिर भी नमाज को दो। आपके पैसा खुद ब खुद आपके पास आएगा जब आप पहली प्रायोरिटी नमाज को दोगे, दुख आपके खुद ब खुद आपसे दूर जाएंगे, खुशी आपके पास आएगी आप पहली प्रायोरिटी नमाज को दोगे। टाइम आपके पास नहीं बचता कि यार टाइम नहीं है अब समझो, जैसे कहते हैं ना हम कि यार मेरा ये वाला काम रहता है मैं पहले ये कर लूँ फिर नमाज पढ़ लूंगा, उसमें नमाज रह जाती है कजा होती है। लेकिन सबसे पहले जो है ना आपने नमाज पढ़नी, क्योंकि नमाज पहले पढ़ लोगे ना तो जिस काम का आप सोच रहे थे ना कि यार अगर नमाज पढ़ी तो ये वाला काम मेरा लेट हो जाएगा, नहीं नमाज पहले पढ़ लोगे ना उस काम में बरकत भी डल जाएगी, टाइम में बरकत डल जाएगी, काम भी जल्दी हो जाएगा, टाइम भी मैनेज हो जाएगा। सो नमाज शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी। ओके सो गाइज इट्स टाइम फॉर माई खाना खुना, और आज मेरे पास डिनर में है पुलाव, सम काइंड ऑफ गोभी एंड चिकन पुलाव, टू मिर्च पकौड़ा। टाइम हो रहा है ओह माय गॉड 8:40, ओह नो आज तो 8:40 हो गए। सो गाइज मैं खाना खाऊंगी, यहाँ पर व्लॉग कभी एंड कर देते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, कल मिलते हैं एक नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट रूटीन के साथ, दुआ में याद रखना, अल्लाह हाफिज़, टाटा एंड बाय बाय।